नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश दीवान सुफलाम क्लासेज जयपुर से। मित्रों, आरपीएससी द्वितीय श्रेणी परीक्षा में परीक्षा देने वाले सभी छात्र छात्राओं को सुफलाम क्लासेज की ओर से तहे दिल से शुभकामनाएं। मित्रों, आपकी बेरोजगारी के दिन खत्म होने ही वाले हैं, किंतु इस बेरोजगारी नामक रोग को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए हमें परीक्षा तक धैर्य बनाए रखना होगा। कहा जाता है कि सिलेक्शन और इलेक्शन दोनों का ही लास्ट का जो वीक होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि इस वीक में हम पूर्ण रूप से शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, तो निश्चित रूप से हम जो है सिलेक्शन की ओर है बिल्कुल, क्योंकि हमारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने देखा कि अंतिम जो ये 5 या 7 दिन जो होता है विशेष रूप से, इसमें हम लोग घबरा जाते हैं कई बार कि पता नहीं कैसा प्रश्न आएगा कैसा नहीं आएगा। जीतने वाले को भी डर लगता है और हारने वाले को भी डर लगता है, डर सभी को लगता है, लेकिन जो इस 7 दिन में अपना धैर्य बनाए रखेगा जीत उसी की होगी। नंबर एक। नंबर दो कि कुछ सावधानियां रखनी होंगी हमें इन 6-7 दिन में, जैसे कि रात्रि को समय पर सोएं, अधिक कम से कम 7 घंटे की हमारी नींद पूरी हो। रात्रि को सोने से पहले कम से कम हमारे पास जितने भी पढ़ने की सामग्री हैं, जैसे कि आपकी पाठ्यपुस्तक, गाइड, पेपर, मोबाइल, इन्हें दूर रख के सोएं, ताकि आपको पूर्ण रूप से पूरी नींद आ पाए। नंबर एक। नंबर दो, रात्रि को सोने से पहले करीबन 1/2 घंटे पहले सिलेबस को उठाएं, सिलेबस को पूर्ण रूप से पढ़ें और कोशिश करें कि उस सिलेबस को पढ़ते हुए जो याद उस समय आ रहा है उसे दोहराते हुए चलें। हम यदि इस वीक में ये करते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में जब हम जाएंगे तो हमारे को सब कुछ रिकॉल होगा जो कि हमें जिसकी हमें आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में हमें ये काम कंटिन्यू धैर्य बनाए करना होगा, क्योंकि पूरा सिलेबस एक बार दोहरा नहीं होगा अधिकांश बच्चे। दूसरा, यदि आपको किसी विषय बिंदु, जो भी विषय बिंदु है, उससे डर लग रहा है, मान लीजिए डर लग रहा है किसी पॉइंट से, तो उसमें जो आपने पढ़ा है उसी का ही दोहरान करें, क्योंकि आप ये नया पढ़ते हैं इस समय तो एक समस्या और खड़ी हो जाएगी। इसीलिए कहा जो याद है, जो पढ़ा है, उसी को ही दोहरान करें। नंबर एक। आगे इन 5 से 7 दिनों में सबसे ज़्यादा अपने आप पे विश्वास रखें। आपने मेहनत की है, साल भर की है, कितनी भी की है, ज़्यादा की है, कम की है, क्योंकि आपने आपको पढ़ाने वाले जितनी भी कोचिंग संस्था वाले थे उन्होंने जहाँ तक हो सका है उनसे अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा दिया है। नंबर दो, आपने जो गाइडें पढ़ी हैं बढ़िया से बढ़िया पढ़ी हैं। नंबर तीन, आपने यदि कहीं पेपर सॉल्व किए हैं बढ़िया से बेटर आपने किए हैं। अब आपको ये 5 दिन अपने आप को बेटर कहना है। अब तक आप सभी चीज़ों को बेटर कहते रहे, यदि आप अपने आप को अधिक से अधिक मोटिव रखेंगे, मान लीजिए फिर भी मान लीजिए बहुत बड़ी टेंशन हो रही है कि करूं तो क्या करूं, मैं नींद नहीं आ रही है, क्या किया जाए, तो मेरा ये कहना है इसका सॉल्यूशन मैंने भी ढूंढा था एक समय में जिसका मुझे बेनिफिट हुआ। जब इस पेपर के समय मुझे टेंशन हुई तो सबसे बड़ा है, जब टेंशन होती है उसी समय पानी पिया और जितना जोर से हंसना हो हंसा जाए, उसी समय उस वो टेंशन जो है, चिंता है, वो तुरंत दूर हो गई। माना हर आदमी को एक समस्या होती है किसी न किसी प्रकार से, अब समस्या नहीं, अब सिलेक्शन। समस्याएं बेरोजगारी तभी खत्म होगी, समस्याएं और बेरोजगारी तभी खत्म होगी। और मैं इसमें और भी कहूँगा कि आप जो है परीक्षा केंद्र, विशेष रूप से परीक्षा केंद्र पर जाते समय एक अपना आधार कार्ड साथ ले जाएं, फोटोकॉपी नहीं, आधार कार्ड चाहिएगा, या आपकी जो है चुनाव आयोग का जो प्रश्न पेपर बना हुआ है, जैसे कि आपका वोटर आईडी कार्ड है, वो साथ लेके जाएं। साथ में अपना प्रवेश पत्र की 2 कॉपियां करवा लें, क्योंकि जीके का और संस्कृत का अलग अलग होगा, तो नेचुरल है 2 पेपर 2 अलग चाहिएगी, एक एग्जाम सेंटर में रखा जाएगा, एक आपको दिया जाएगा। नंबर 3। तीसरा ये है कि आपके साथ में पेन लेके जाएं,
ऐसा पेन हो जिसमें रिफल पूरी दिख रही हो, पारदर्शिता, मोटे नोक वाले लेके जाएं, जो आपका पेन है, जो छात्र हैं विशेष रूप से टी शर्ट पहन के जाएं, अन्य कोई सामग्री ना ले जाएं। गल से निर्देश सारे दे रखे हैं आरपीएससी ने, इस बार 2 घंटे पहले बुलाया है, तो कोशिश पूरी ये रखें कि 2 घंटे पहले ही हम वहाँ पहुँचें। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि जब हम एग्ज़ाम परीक्षा हॉल पे पहुँच जाते हैं तो अपने साथ में बहुत सारी सारी सामग्री ले जाते हैं, नोट्स हैं, किताब है, गाइड है, ले गए हम। ये डर है कि मैं और पढ़ लूँगा या मैं और याद हो जाएगा। मित्रों, इस डर को ये बनाए रखा आपने तो पेपर बिगड़ जाएगा, चाहे वो जीके का हो चाहे वो संस्कृत का हो, बिगड़ जाएगा। मेरा ये कहना है कि उन 2 घंटे विशेष रूप से आप अपने आप को खुश रखें, जो पढ़ भी रहे हैं वहाँ आजू बाजू में ना भटके होंगे, अपने आप पर बार बार रिकॉल करें। हाँ, यदि ले जाना भी है कुछ तो अपना वो लेके जाएं, क्या नाम है, सिलेबस लेके जाएं, उसी को दोहराओ, बार बार दोहराओ कि क्या याद हो और क्या याद आ सकता है मेरे, दोहराओ, उसको कौन मना करता है। साथ में ही वहाँ भी 2 घंटे जाने के बाद हम कई बार चाय पानी पीने के चक्कर में इधर उधर चले जाते हैं और घड़ी नहीं देख पाते हैं। अपनी आपकी घड़ी से आप 10 या 15 मिनट आगे पहले पहुँचें ताकि सेंटर पे आपको अंग प्रवेश दिया जा सके। और मेरा एक ही कहना है, जीत उसी को ही प्राप्त होती है जिसे स्वयं पर विश्वास होता है। और मित्रों, समय बहुत बलवान होता है, आपकी मेहनत बहुत बढ़िया है, बिलीव कीजिए अपने, मैं मुझे और अन्य संस्थाओं को आप पर पूरा बिलीव है, विश्वास है आप पर कि इस बार आप जीतेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी संस्था में, चाहे वो जीके वाली संस्थाएं रही हों, चाहे संस्कृत की रही हों, चाहे किसी सब्जेक्ट की रही हों, उन्हें आप पर नाज है, बस अब आपका विश्वास है अपने आप। जय हिंद, जय सुफलाम।